दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। और उसका पहला मैच जो है जिम्बाब्वे की टीम जो है जीत के उन्होंने जो है आपकी इंडिया की टीम को है 1-0 से पीछे कर दिया था। और आज जो है उसका दूसरा मैच था। और दूसरा मैच की बात करें तो आज के मैच में जो है इंडिया ने अभी जो है आपके 100 रन से जो है ये विशाल मार्जिन से जो है ये दूसरा T20 मैच जीत लिया। और इस मैच के साथ इन्होंने दिखा दिया कि मतलब इंडियन की जो मतलब आप बोल सकते हैं बेंच स्ट्रेंथ इंडियन टीम की वो इतनी मजबूत है कि इंडियन टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो किसी भी टाइम किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को जो है इजिली हरा सकते हैं। आज के मैच की बात करें तो आज के मैच में आपके अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने दिखा दिया कि ये सिर्फ IPL के टैलेंट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम लोग जो इतने ही बेहतरीन खेल सकते हैं जितना IPL में खेल सकते हैं। और IPL से बेहतरीन आपकी इनिंग जो है अभिषेक शर्मा ने खेली। अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने आज के मैच में मेडन T20 100 मारा। आज उनका जो है मात्र दूसरी पारी है T20 क्रिकेट की, या बोल सकते हैं इंडियन जर्सी में मात्र ये दूसरी पारी है। और उन्होंने दिखा दिया कि इंडियन जो टैलेंट है वो कम नहीं है। उनके जो गुरु की बात करें युवराज सिंह, तो उनके गुरु है, तो युवराज सिंह से जो है उन्होंने 6 हिटिंग मारने की जो है हुनर, वो 6 हिटिंग कैसे करते थे उसी के हिसाब से जो है इन्होंने भी आज हिटिंग करी। अगर इनकी पारी की बात करें तो इन्होंने 100 रन्स की पारी 47 बॉलों पे खेली। और अगर हम इनके मतलब बात करें, इन्होंने स्टार्टिंग छक्के से करा, 50 इन्होंने छक्के से मारा और 100 भी जो है मतलब मेडन 100 था। उनको डर नहीं लगा कि मैं छक्का मारने जाऊंगा, हो सकता है मेरा कैच वगैरह भी हो जाए, बट उन्होंने फिर भी छक्का मारा। और छक्के मारने के साथ साथ जो है उन्होंने अपनी मेडन जो है आपकी 100 लगाई। और उसी के साथ रिंकू सिंह ने भी दिखा दिया, उन्होंने भी जो 22 बॉल्स पे जो है आपके मतलब 48 रन्स की पारी खेली। उन्होंने भी जो अपनी पारी में जो है मतलब 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, तो उन्होंने भी दिखा दिया कि मतलब कल जो मतलब जो मैच वो हार गए थे पहला T20 मैच, तो आपकी जो है मतलब आपकी जो टीम है इंडियन टीम जो है तुक्के में हार गई थी, नहीं तो जो है जिम्बाब्वे जैसी टीम जो है हमारे खिलाफ जो है कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी बैटिंग थोड़ी मतलब कल के मैच में लड़खड़ा गई, जो कि हम 116 रन चेज नहीं कर पाए, 102 रन पे आउट हो गए, तो थोड़ी सी कंडीशन वगैरह को समझने में दिक्कतें हो गई होगी। बट जो है आज इन्होंने दिखा दिया कि टीम इंडिया सुपर पावर है, और टीम इंडिया जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड जगत में सुपर पावर है। और क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें और T20 क्रिकेट में जो है हम चैंपियंस हैं, और हमने चैंपियंस की तरह खेला। इंडिया ने जो है आज टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, और इंडिया के जो मतलब पहले विकेट के रूप में शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए मुजरवानी की बॉल पे जो, वो मतलब चौका मारने के चक्कर में गए, बट जो उन्होंने जो है आपके जो है मिड ऑफ पे जो है ब्रायन बेनेट के हाथ में कैच दे दिया। उसके बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में बेहतरीन जो है आपकी मतलब 137 रन्स की पार्टनरशिप हुई। उसमें जो है आपके आपके जो है अभिषेक शर्मा ने अपना मेडन T20 100 मारा। और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो उन्होंने भी जो है मतलब वो लास्ट तक नाबाद रहे, उन्होंने थोड़ी जो है मतलब संभल के खेल रहे थे। उन्होंने 77 रन्स की पारी खेली 47 बॉलों पर, जिसमें उन्हें 11 चौके और 1 छक्का। और लास्ट की बात करें तो रिंकू सिंह ने जो दिखा दिया फिनिश कैसे किया जाता है, और रिंकू सिंह ने 22 बॉलों पर 48 रन्स बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। तो जो मतलब ख्याली पुलाव बना रहे थे जिम्बाब्वे की टीम, सिकंदर रजा कल बहुत ज़्यादा उछल रहे थे कि मतलब उन्होंने जो है इंडिया को हरा दिया, तो उन्होंने ऐसा क्या मतलब ऐसा कर दिया जैसे उन्होंने मतलब वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। तो सिकंदर रजा के मुंह पे जो है तमाचा मार दिया है। आज रिंकू सिंह की बात करें, चाहे आप बात करें अभिषेक शर्मा की बात करें, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, और अगर हम इनके बॉलर्स की बात करें, जो बॉलर्स कल इतने बेहतरीन मतलब बॉलिंग करा रहे थे, चाहे बेनेट की बात करें, मुजरवाने की बात करें, चतारा की बात करें, आप डी मेयर्स की बात करें, तो इनके तो एक ओवर में जो है 28 रन्स मारे आपके जो है मतलब अभिषेक शर्मा ने। तो आज की जो है इनकी बॉलिंग एकदम बिगड़ चुकी है। और इसी के साथ जो है इंडिया ने जो है आपकी जो है जिम्बाब्वे की टीम को 134 रन पे ऑल आउट कर दिया। और अगर हम बाल इनके कैप्टन की बात करें सिकंदर रजा, उन्होंने मात्र 4 रन बनाए 4 बॉलों पे, जिसमें वो आवेश खान की बॉल पे ध्रुव जुरेल के हाथ कैच दे बैठे। उसके अलावा तो कोई काया की बात करें, मधवरे की बात करें जो कि मतलब ठीक ठाक उन्होंने 43 रन बनाए 39 में, बेनेट की बात करें, मेयर्स की बात करें, कैंपबेल की बात करें, मैडेड कुछ ऐसा ही नाम है, मसाकार्जा की बात करें, या जोंगी की बात करें, जोंगी ने 33 रन की पारी, जुझारू पारी जरूर खेली, बट जो है ये पारी मतलब उनके लिए मतलब कमी साबित हुई। और ये जो है 100 रन से ये मैच इंडिया ने जीत लिया। अगर इंडिया के बॉलर्स की बात करें, मुकेश कुमार ने जो है 3.4 ओवर्स में 37 रन देके 3 विकेट लिए, आवेश खान ने 3 ओवर में 15 रन देके 3 विकेट लिए, रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट लिए, वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट लिए। और इसी के साथ जो है आपकी टीम इंडिया ने जो है ये मैच इजीली जीत लिया। और अब जो है आपका 5 मैचों की T20 सीरीज जो है आपकी खुल चुकी है। और जो
मतलब देखने वाली बात है जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की टीम जो है कैसा मतलब रिटेलिएट करती है। और अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें उसके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो आपके मतलब अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए, और अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है बट हो जाएगा डिक्लेयर। अभिषेक शर्मा ने जो है आज पूरी वाहवाही लूट ली है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड की, और कल जो टीम जिसने हमें हराई थी आज उन्हें हमने मतलब बेहतरीन तरीके से बुरी तरीके से मात दी है। और इसी को कहते हैं कि आप मतलब टैलेंट जो है एक दिन गलती से हार सकता है, बट जो टैलेंट है वो जो है उसको हराने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही कोशिश है। और जिम्बाब्वे की टीम की वो क्वालिटी नहीं है जो कि टीम इंडिया की, चाहे हम बात करें टीम इंडिया डी की बात करें या सी की बात करें, उनकी भी वो हमें हरा सके। बट जो एक शर्मा हमारा रोहित शर्मा गया था, और हमें जो एक ओपनर मिल चुका है अभिषेक शर्मा, तो उसके लिए टीम को बहुत बहुत बधाई, और अभिषेक शर्मा को उनके मेडन T20 100 के लिए बहुत बहुत बधाई है। और मेरे हिसाब से उनको T20 मतलब इस मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड उनको मिलना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों वगैरह में फैला सकते हैं दोस्तों।